भाग दो, यीशु के नाम से बपतिस्मा या पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। इस संदेश का भाग एक अवश्य देखिए, बपतिस्मा से जुड़े सभी सवालों का जवाब पाने के लिए जो एक विश्वासी को जानना आवश्यक है। भाग तीन, चार और पांच भी अवश्य देखिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा और यीशु का बपतिस्मा क्यों। सवाल जवाब सेक्शन में आपका स्वागत है। भाग एक में मैंने आपको बपतिस्मा से जुड़े उन सभी सवालों का जवाब दिया जो एक मसीही के लिए जानना आवश्यक है। फिर भी मैं भाग एक में से एक छोटा सा क्लिप आपको यहाँ दिखाऊंगा क्योंकि वो इस भाग से भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए वो क्लिप। यह शब्द बपतिस्मा यानी बैप्टिज्म कहाँ से आया? तो बपतिस्मा यानी बैप्टिज्म का जो मूल यूनानी शब्द है वो है बैप्टिजो, BAPTIZO, जिसका अर्थ होता है डुबाना, किसी भी वस्तु को किसी भी पदार्थ में पूरी तरह डुबाना, इमर्शन। उससे क्या होता है, वो जो वस्तु होती है वो उस पदार्थ से जिसमें वो डुबाई गई है पूरी तरह तर हो जाती है। तो ये जो शब्द बैप्टिजो है ये लॉन्ड्री में इस्तेमाल किया जाता था जहां कपड़ों की रंगाई होती थी। मतलब किसी भी कपड़े को किसी रंग में जब डुबाया जाता था तो वो उस रंग से तर हो जाता था और फिर वो कपड़ा उसी रंग का हो जाता था। जैसे कि इस लाल रंग में मैं अगर ये चौक डुबाता हूँ तो ये लाल रंग से तर हो जाता है और ये चौक अब लाल रंग का चौक बन जाता है। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं और पानी में डूबते हैं तो हम किससे तर होते हैं? जो हमारी जो पहचान है वो किस में बदल जाती है? जैसे इस चौक की लाल रंग में बदल गई। जाहिर है हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी पहचान अब पानी से है क्योंकि हम पानी में डूबे थे या पानी से तर हो चुके हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि पानी में डुबकी लगाना केवल एक प्रतीक यानी चिन्ह मात्र है जो हमारे अंदर हुए बहुत बड़े बदलाव को दर्शाता है सबके सामने। ये है बपतिस्मा। तो आपने देखा कि बपतिस्मा आपकी पहचान बताता है कि आप किस से तर हैं और आप किस नाम से पहचाने जाते हैं। तो आइए आप आगे चलते हैं। सवाल, क्या हमें यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए या पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से? कुछ कलीसियाएं इस बात पर वाद विवाद करती हैं कि आपको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से नहीं बल्कि यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए। तो बपतिस्मा का जो मतलब है, जैसे मैंने इस क्लिप में दिखाया, डुबाना या डुबकी लगाना, और साथ में कि आपकी पहचान किससे होती है, टू आइडेंटिफाई विद, वो होता है बैप्टिज्म यानी बपतिस्मा का अर्थ। प्रेरितों के तीसरे अध्याय में हमने देखा कि पतरस ने एक लंगड़े आदमी को चंगाई दी और उसने बोला यीशु मसीह के नाम से। तो हम ये आयत पढ़ते हैं प्रेरितों का 3:6। तब पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो हम देखते हैं कि यहां पर जो पतरस ने बोला यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, तो वो यीशु मसीह का अधिकार बता रहा था कि यीशु मसीह के अधिकार से तुम चंगे हो गए, अथॉरिटी। और मत्ती के 28वें अध्याय में 18 से 20 में भी यीशु ने यही कहा था। यीशु ने अपने चेलों के पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अधिकार। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। तो यीशु यहां कह रहा है कि मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उसको मानना सिखाओ। तो यीशु की आज्ञा है ये कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अधिकार जो यीशु को मिला था वही अधिकार उसने अपने शिष्यों को भी दिया। मरकुस 2:1-11 में हमने एक दृष्टांत देखा था जिसमें यीशु एक झोले से मारे हुए को, लकवे से मारे हुए को चंगाई देता है। तब जो फरीसी थे उन्होंने जब ये सुना कि यीशु बोल रहा है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तो वो अपने मन में सोच रहे थे कि ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाला, क्योंकि पाप तो सिर्फ परमेश्वर क्षमा कर सकता है। तब यीशु ने
अपना अधिकार, पाप क्षमा करने का जो अधिकार था वो दिखाया और बोला कि उस लकवे से मारे हुए को बोला कि अपनी खाट उठा और चल पड़। तो वो चल पड़ा, जो एक चिन्ह था कि उसके पाप क्षमा हो गए। तो यीशु ने अपने अधिकार के होने का सबूत दिया था। पुराने नियम में जो त्रय एक परमेश्वर की हम बात करते हैं, वो पहले से लिखा हुआ था शास्त्रों में, जैसा कि उत्पत्ति 1:26 में। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। जो शब्द यहाँ पर उपयोग किया वो है हम। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैं मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाऊं। यशाया का 48:16 में यहाँ पर यीशु जो मसीहा है वो पुराने नियम में ये बता रहा था यशाया के द्वारा कि आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ यानी कि आदिकाल से, तब से मैं वहां हूं, यानी पुत्र वहां है आदिकाल से, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की जो बात है त्रिएक परमेश्वर, वो पुराने नियम में शास्त्रों पर लिखा हुआ था, जो यहूदियों को मालूम था कि हमारा जो परमेश्वर है वो है तो एक ही, लेकिन उसमें तीन व्यक्ति हैं। और वो ये भी जानते थे कि मसीहा आएगा, क्योंकि यशाया 53 में मसीहा के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, पूरी भविष्यवाणी जो यशाया ने मसीहा के आने से 700 साल पहले ही कर दी थी कि वो किस तरह मारा जाएगा हमारे अधर्मों के लिए। तो पत्रस यहाँ पर जोर देकर वही बात कह रहा था कि यीशु मसीह वही मसीहा है जिसको तुमने मारकर क्रूस पर लटकवा दिया। इसलिए उसने यीशु के नाम का उपयोग किया, क्योंकि जब बहुत तेज आंधी आई थी और बहुत भारी गर्जना हुई थी, ध्वनि हुई थी, और उसके बाद पत्रस और अन्य प्रेरित अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे, जिसकी वजह से सारे यहूदी बहुत हैरान हो गए थे और वो थोड़े भयभीत भी हो गए थे कि अवश्य ही यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार जो उनके सामने हुआ था वो एक बहुत बड़ा चिन्ह था। तो पत्रस ने उसी बात को आगे समझाया कि जिसको तुमने मरवाया है वही यीशु, उसी के सामर्थ्य से ये सब कुछ हुआ है, वही मसीहा है। तो प्रेरितों के 2:22-37 में उसने क्या बोला, 22वां, हे इसराइलियों ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। 23, उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। मतलब ये कि वो यहूदियों को कह रहा था कि हालांकि तुमने उसको क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, लेकिन वो सब कुछ परमेश्वर की मनसा थी और उसी के अनुसार वो पकड़वाया गया था ताकि हमारे पापों के लिए वो भुगतान कर सके अपने बलिदान से। 32, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। 36, सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। 37, अब ये सब सुनकर जो चमत्कार उन्होंने देखे, अन्य अन्य भाषा में ये बात कर रहे थे, तो जितने भी यहूदी वहां खड़े थे वो भयभीत थे। तब 37वें आयत में उन्होंने बोला, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पत्रस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें, मतलब हमने अपने ही मसीहा को जो यीशु मसीह था उसको क्रूस पर लटकवा दिया, उसको मरवा दिया, अब हम क्या करें। इसीलिए पत्रस ने उन्हें समझाया कि यीशु मसीह जिसको ये अधिकार है पाप क्षमा करने का, जैसे उसने झोले के मारे हुए रोगी का पाप क्षमा किया था, उसी अधिकार से यीशु मसीह तुम्हारे पाप भी क्षमा कर सकता है। तो इसीलिए वो यीशु मसीह के नाम पर जोर दे रहा था, इसलिए उसने प्रेरितों के 2:38 आयत में कहा, पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्यों? क्योंकि वो पिछले आयतों में यही समझा रहा था कि जिस यीशु को तुमने मरवा दिया वही मसीहा था और उसी को अधिकार है अपने बलिदान के द्वारा तुम सबके पापों को क्षमा करने का।
तो यहूदी इस बात को समझ गए, और इसीलिए हम आगे देखते हैं कि प्रेरितों के ही पुस्तक में आगे के अध्यायों में 8वें, 10वें और 19वें अध्याय में हर बार यही नाम इस्तेमाल किया गया, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो बार बार यहूदियों को यह बता रहा था कि वही यीशु मसीह जिसको तुमने मरवा दिया वही मसीहा था। अब हमारी तो कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि हम उस पवित्र परमेश्वर जो त्रयेक परमेश्वर है उससे मिलाप कर सके, क्योंकि हमारे अंदर तो पाप है, आदम का पाप का स्वभाव। तो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से जुड़ने का हमारे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड भुगत लिया, उसको अधिकार है, उसके अंदर की योग्यता है कि वो हमें त्रयेक परमेश्वर यानी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से हमारा मिलाप कर सके। इसीलिए पत्रस जो है वो इसराइलियों को समझा रहा था कि तुम्हें यीशु मसीह तुम्हारे पापों से मुक्त कर कर त्रयेक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुम्हारी पहचान कर सकता है, उससे तुम्हारी पहचान को जोड़ सकता है, और यही अधिकार उसने अपने शिष्यों को भी दिया कि मेरे बाद तुम भी जगत में हर जगह जाकर इसी अधिकार से लोगों के पाप क्षमा कर सकते हो और उन्हें उनकी जो पहचान है उसको परमेश्वर यानी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से कर सकते हो। त्रय एक परमेश्वर में से जो कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है, जो पुत्र था वो देह में आया, शरीर में आया, जैसा कि यूहन्ना 1:14 कहता है, उसका नाम यीशु था। यीशु ने कहा यूहन्ना 10:30 में, मैं और पिता एक हैं। प्रेरितों के 16:7 में, और उन्होंने मतलब पौलुस और उसके सहयोगियों के बारे में बात हो रही है, और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। यहां पर बात हो रही है पवित्र आत्मा की। तो पहले यीशु ने कहा मैं और पिता एक ही हैं, फिर यीशु का आत्मा ही पवित्र आत्मा है, तो इसी से बनता है त्रयेक परमेश्वर, ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, द गॉड हेड, यानी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जो यीशु में वास करती है। कुलुसियों का 2:9 यही कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है, यानी कि यीशु जो देह में आया था उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता पिता पुत्र और पवित्र आत्मा द गॉड हेड वास करती है। इसीलिए यीशु ने कहा यूहन्ना 14:20 में, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। तो क्या हुआ, यीशु को जो अधिकार है पाप क्षमा करने का, उसके द्वारा उसने हमें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से जोड़ दिया जो परमेश्वर है। सो जब आप बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। निष्कर्ष क्या निकला कि यीशु मसीह के नाम से जब हम बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है यीशु मसीह के अधिकार से। यीशु मसीह हमें वो अधिकार देता है कि हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ मिलकर एक हो जाए, क्योंकि उसने हमारे पाप क्षमा कर दिए। अगर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना दोनों अलग अलग बातें होती, तब तो पत्रस और बाकी प्रेरित जो कर रहे थे वो यीशु की आज्ञा का उल्लंघन होता, क्योंकि वो तो कह रहे थे यीशु के नाम से बपतिस्मा लें, लेकिन यीशु ने क्या आज्ञा दी थी मत्ती 28:19 में, उसने कहा था जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। तो अगर वो दोनों अलग अलग बातें होती तो सारे प्रेरित यीशु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नहीं था, उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए अपनी जानें दे दी थी। तो वो तो यीशु मसीह की आज्ञा का ही पालन कर रहे थे, उन्हें पता था कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना दोनों समान है, सिर्फ यहूदियों पर यह व्यक्त करने के लिए कि जिस यीशु को तुमने मरवाया वही मसीहा था, वही परमेश्वर था, वो बार बार इस अधिकार से, इस नाम से वो बपतिस्मा दे रहे थे। इसलिए सभी विश्वासियों से मैं यह कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें और इस वाद विवाद में ना पड़ें कि यीशु के नाम से बपतिस्मा और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना दोनों अलग हैं, क्योंकि हमने इस संदेश में देखा कि दोनों समान हैं। आमीन। भाग 3, 4 और 5 भी अवश्य देखिए।
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा और यीशु का बपतिस्मा क्यों?